अस्सलाम वालेकुम नीज नाज़रीन, मैं मोहम्मद इरफान और हम मिर्ज़ा अली बेग का इंटरव्यू करते हैं। जो आप इनको देखते हैं यूट्यूब चैनल पे के हर एक बंदे का इंटरव्यू करते हैं, आज हम इसका इंटरव्यू करते हैं, इसको टिकटॉक के बारे में पूछते हैं, क्या कहते हैं टिकटॉक के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? सर ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि मिर्ज़ा अली बेग हमारा जो यूट्यूब चैनल है और ये बड़े बंदों का इंटरव्यू करते हैं, आज हम इनका इंटरव्यू करते हैं और इससे पूछते हैं टिकटॉक के बारे में क्या कहते हैं। यार देखें, टिकटॉक अच्छी ऐप थी और चलना चाहिए। देखें पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट पहले ही जो है वो कम है मुल्क में, और एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे लोगों में बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आप यकीन करेंगे, लोगों में इतने अच्छे सिंगर हैं हमारे पास, इतने अच्छे म्यूज़िक एडिटर्स हैं, इतने अच्छे, लेकिन टिकटॉक बंद करने से उन सब का नुकसान हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे यार? सर नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो वाशी फैल रही है उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो वो तो हर चीज़ के दो स्टेप्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये तो आपकी मर्जी है ना कि उसको पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। वीडियो आपके सामने बन रही है तो आपके सामने हर चीज़ नज़र जो आ रही है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि नेगेटिव? सर देखिए, रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई नई अच्छी चीज़ लग रही तो आप रिपोर्ट कर दें उसको। लीगल नोटिस मिला है, उसके बाद उसने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए फिर हाईकोर्ट ने एक्शन लेना पड़ा। बस यार ये तो बड़ी दुख की बात है, हमारा अब टैलेंट गया, अब डाकियों डलेंगे, अब चोरियाँ होगी, अब यही होगा बस यार। लेकिन आपके सामने वीडियो, आपके सामने जो एयरपोर्ट पे वाकया हुआ है आपके सामने ही है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? बस यही तो बात है कि आप और बंद करें टिकटॉक, तो फिर यही होना है काम। सर टिकटॉक बंद होगा तो लोगों में ये लोग पढ़ेंगे, नौजवान ये गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। सर देखें, हर चीज़ के दो स्टेप होते हैं। अब ये तो आपका मसला है ना कि आप इसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं या बुरा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कि आप टिकटॉक के बहुत ज़्यादा फैन थे, इसलिए आप ये इतना कहना चाह रहे हैं? मैं तो खुद एक यूज़र था और मुझे तो दुख हुआ इस चीज़ के बाद, क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई भी होना उसको बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा अली बेग का इंटरव्यू लिया और ये इनका यही व्यू पॉइंट है कि टिकटॉक को बंद नहीं होना चाहिए था, इन्हें कंटिन्यू चलना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि इसको बहाल करे। आपको अगर कोई नहीं कोई डाउट है तो मुझे छोड़ के आप 8-10 बंदों का मजीद इंटरव्यू लें, उनसे पूछे कि ये गलत चीज़ है, टेक्नोलॉजी को रोका गया, टेक्नोलॉजी को रोका गया, दुनिया चांद पे जा रही है और यहाँ टिकटॉक बंद कर दिए। चले नाज़रीन, आपने ये मिर्ज़ा अली बेग का व्यू देख लिया और हम बाकी बंदों का इंटरव्यू लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।